गाइस अस्सलाम वालेकुम सस्त्रीकाल, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं रानिया और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर। इस वीडियो का टाइटल है मेरे सामने ज्यादा तेज ना बनो। डॉक्टर जाकिर नायक को आ गया गुस्सा एक मुस्लिम लड़के पर। और ये वीडियो है ओमान की, जो कि अभी की है 2023 की। तो देखते हैं ये वीडियो कैसे होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। गाइस बहुत अमेजिंग टॉपिक है। देखते हैं कि इस मुस्लिम लड़के ने डॉक्टर जाकिर नायक से क्या बदतमीजी की या क्या बोला जिससे गुस्सा आ गया उनको। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। No, but see, you are making a big blunder, brother. If you say you are not a Muslim, you are destined to hell. Correct? I am yes, trying to save you. Yes, exactly. It is more bad than all the people who give the shahada. Exactly. A person who is a Muslim and he says he is not a Muslim becomes a murtad. Yes. Are you a murtad? No. So why are you digging your own grave? Don't be extra smart, brother. I am asking you, do you know the treatment of typhoid? So what? If you don't know, does it mean you go to hell? No, definitely. I will be who will you go and ask? Someone more knowledgeable. Not knowledgeable, doctor. Okay. Don't go to Google, please. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नायक ओमान में एक सेशन से खिताब कर रहे थे। सवाल करने के लिए एक मुसलमान लड़का माइक्रोफोन पर आया। इससे पहले कि ये लड़का अपना सवाल करता, डॉक्टर जाकिर नायक ने इसे अच्छी खासी झाड़ पिला दी, डांट दिया। दोस्तों इस पूरी गुफ्तगू को बहुत गौर से सुनिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। जैसा कि डॉक्टर जाकिर नायक से सवाल करने के लिए आने वाला कोई भी शख्स पहले अपना नाम और अपना मजहब और अपने मुल्क का नाम बताता है, ऐसे ही इस लड़के ने भी बताया। लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक के पूछने पर ये मनाजिर देखिए। टीम हम कदम इस अंग्रेजी जबान में होने वाली गुफ्तगू का मुकम्मल उर्दू तर्जुमा आपके सामने रखने जा रही है। याद रखिए दोस्तों, ये गुफ्तगू और डॉक्टर जाकिर नायक की जानिब से जरा सख्त अल्फाज में इस लड़के को समझाना देखने से ताल्लुक रखता है और हमारे लिए सीखने का बहुत कुछ है। गुड इवनिंग, आई एम एथियस्ट। ओके, सो एंड आई हैव अ क्वेश्चन। व्हाट्स योर गुड नेम ब्रदर? माय नेम इज मुनीर, बट आई एम एथियस्ट। मुनीर एंड एथियस्ट। डॉट जो ही ये लड़का सवाल करने के लिए माइक्रोफोन पर आया, डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि आपका नाम क्या है मेरे भाई? तो इस लड़के ने बताया कि उसका नाम मुनीर है और वो एक थियस्ट है। याद रखिए दोस्तों, थियस्ट से मुराद वो है जो किसी भी मजहब पर यकीन रखता है, यानी कि हर मुसलमान भी थियस्ट है क्योंकि वो इस्लाम पर और एक अल्लाह पर यकीन रखता है। लेकिन चूंकि इस लड़के ने कहा था कि आई एम अ थियस्ट, डॉक्टर जाकिर नायक को सुनाई दिया जैसे ये कह रहा है कि मैं एथियस्ट हूँ, यानी कि मैं मुर्तद हूँ। डॉक्टर जाकिर नायक को जू ही कन्फ्यूजन हुई तो दूर करने के लिए फौरन से इस लड़के से पूछ लिया कि इसका नाम तो मुसलमानों वाला है मुनीर, मगर ये क्या, ये खुद को एथियस्ट कह रहा है। डॉक्टर जाकिर नायक ने वाज़ेह अल्फाज में पूछा कि आप एथियस्ट हैं या थियस्ट हैं? इस लड़के ने फौरन से कहा मैं थियस्ट हूँ। डॉक्टर जाकिर नायक ने भी कहा तो अच्छा फिर क्या हुआ, दुनिया के सारे मुसलमान ही थियस्ट हैं, ऐसा क्या फर्क है आप में और दुनिया के बाकी मुसलमानों में? दुनिया के सारे बाकी मुसलमान भी थियस्ट ही होते हैं, तो आप में ऐसी क्या बात है? आगे से ये लड़का कहने लगा कि एथियस्ट वो होता है जो किसी मजहब पर यकीन नहीं रखता, जो मुर्तद होता है, और थियस्ट वो होता है जो मजहब पर यकीन तो रखता है मगर वो अमल नहीं करता। डॉक्टर जाकिर नायक ने फौरन से कहा कि ये आपको किसने कह दिया, ये तारीफ थियस्ट की आपने कहां से हासिल की है, जरा मुझे बताएं, ये क्या बात हुई, आप अपनी तरफ से खुद ही डेफिनेशन बनाए जा रहे हैं, ये गलत हो रहा है। थियस्ट तो वो इंसान होता है जो एक अल्लाह पर यकीन रखता है और हर मुसलमान ही थियस्ट है। एक और चीज भी होती है एग्नोस्टिक जिसे कहते हैं। मुनीर मेरे दोस्त, आपकी अंग्रेजी जबान थोड़ी सी खराब है, आपको अंग्रेजी नहीं आती? आगे से ये लड़का हंसते हुए कहने लगा कि मैंने तो ये तारीफ गूगल से देखी है। डॉक्टर जाकिर नायक को गुस्सा आ गया और कहा कि कौन सा गूगल, हर चीज गूगल पर नहीं मिलती। डॉक्टर जाकिर नायक ने सबको समझाने के लिए वाज़ेह अल्फाज में कहा कि एथियस्ट वो इंसान होता है जो किसी मजहब पर और एक खुदा पर यकीन नहीं रखता, और थियस्ट वो होता है जो एक खुदा पर यकीन रखता है। एथियस्ट और थियस्ट एक दूसरे के उलट है। हाँ, एक और कैटेगरी होती है जिसको एग्नोस्टिक कहते हैं, जिसमें वो लोग शामिल होते हैं जिन्हें पता नहीं होता, जो अभी तलाश में होते हैं कि अल्लाह या खुदा है या नहीं है। डॉक्टर जाकिर नायक को अभी तक समझ नहीं आया था कि ये लड़का आखिर है क्या, इसीलिए वाज़ेह अल्फाज में पूछा कि आप मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो। डॉक्टर जाकिर नायक बार बार इस लड़के को इसका नाम लेकर मुखातिब करके समझाने की कोशिश कर रहे थे। ये मनाजिर आप भी देखिए। माय नेम इज मुनीर, बट आई एम अ थियस्ट। मुनीर एंड एथियस्ट। नॉट एथियस्ट, थियस्ट। मींस आई बिलीव देयर इज वन गॉड
No, no. Are you atheist or theist? Theist. Huh, so? Okay. All Muslims are theist. Okay, so... What's the difference between you and the other Muslims? Well, atheist is like he doesn't believe God or anything. And the theist is what? Theist, which he believes there's one God, but he doesn't follow religion. Who says this? Where got the definition from? You're getting your own definition. There is something wrong. A theist is a person who believes in God. Every Muslim is a theist. There's something like agnostic. Your language, English language is poor, brother. Munir? Maybe I Munir? Found that from Google. What Google? Which Google? No, I Google tried everything to search it. A theist is a person who doesn't believe in God. Theist is a person who believes in God. The opposite of atheist is theist. There's something like agnostic. Agnostic is a person who doesn't know whether there's God or not. Are you a Muslim or not a Muslim? I explained, I'm in a stage, I'm confused. Do you believe there's one God? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जू ही इस लड़के से पूछा कि आप मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, तो जवाब में ये लड़का कहने लगा कि मैं जरा कंफ्यूज हूँ, मैं कुछ कंफ्यूजन का शिकार हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसकी सारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए अचानक से कहा कि क्या आप यकीन रखते हैं कि एक अल्लाह है जो इबादत के लायक है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से अगला सवाल करते हुए कहा कि आपको लगता है, आप क्या समझते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा हैं। जवाब में ये लड़का कहने लगा, इसी पर तो मुझे कंफ्यूजन है और मैं सवाल पूछने के लिए आया हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि वो सब रहने दो, बस मुझे इतना बताओ कि आप ये समझते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए एक नबी हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। जवाब में ये लड़का कहने लगा कि हाँ, मैं मानता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए एक पैगम्बर हैं, लेकिन यहीं पर मेरी एक कन्फ्यूजन है जिस पर मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इससे पहले कि ये कोई बात करता, इसकी बात काटते हुए कहा कि अब आपने ये कहा है कि आप एक अल्लाह को मानते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का भेजा गया एक पैगंबर मानते हैं, तो आप मुसलमान हैं। कहानी खत्म हुई। ये एथियस्ट थियस्ट अपने तारुफ में ये चीजें शामिल करना छोड़ दें। आगे से ये लड़का मुस्कुराते हुए और हंसते हुए कहने लगा कि यही तो मैं सवाल करने के लिए आया हूं, अगर आप प्लीज मुझे मेरा सवाल मुकम्मल करने दे दें। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर से इसकी बात काटकर अपनी बात कहना शुरू कर दी। ये मनाजिर देखिए, उसके बाद इस लड़के का सवाल और डॉक्टर जाकिर नाइक ने आखिर इस लड़के पर इतना गुस्सा क्यों किया, ये सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। Are you a Muslim or not Muslim? I explain, I'm in a stage, I'm confused. Do you believe there's one God? Yes. Do you believe Prophet Muhammad is a God? Well, there's a confusion over there where I have to ask a question. Okay, what do you not believe in? Do you believe Prophet Muhammad is a messenger of God or not? Yes or no? Well, I believe he's a messenger of God, but the confusion is over here that... No, if you believe he's a messenger of God, you are a Muslim. You may not follow his hadith, that's a different thing. You may not be a good practicing Muslim, but if you believe there's one God, if you believe Prophet Muhammad is a messenger of God, you are a Muslim. The end of the story. Yes, but the question, let me please end this question. No, but see, you are making a big blunder, brother. If you say you are not a Muslim, you are destined to hell. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के का सवाल पूछने से पहले इसकी बात को फिर से काटते हुए कहा कि मेरे भाई देखो, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम अपने साथ एक बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हो। अगर तुम मुसलमान हो तो खुद को मुसलमान कहो और वाज़ह अल्फाज में कहो, थियस्ट हूँ फला हूँ ये सब ना कहो। आज के इसी इज्तमा में कई गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया है, वो जब गैर मुस्लिम थे तो वो कम बुरे थे, आप ज्यादा बुरे हो क्योंकि आप मुसलमान होकर भी खुद को मुसलमान नहीं कह रहे हो। क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा मुसलमान जो मुसलमान पैदा हुआ हो, खुद को मुसलमान समझता हो, मगर ये कहे कि वो मुसलमान नहीं है तो वो मुर्तद होता है। क्या तुम मुर्तद हो? बताओ, क्या तुम मुर्तद हो? डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत गुस्सा आ गया था। जवाब में इस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, मैं मुर्तद नहीं हूं। तो फिर तुम अपनी कब्र खुद ही क्यों खोद रहे हो? डॉक्टर जाकिर नाइक ने अफसोस के साथ कहा, अपने लिए गढ़ा खुद ही मत खोदो। देखो, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, मेरे सामने ज्यादा तेज ना बनो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को समझाने के लिए फिर से कहा कि देखें, आप ऐसे हो सकते हैं कि आप मुसलमान हो मगर आप नमाज ना पढ़ते हो, रोजा ना रखते हो, इबादत ना करते हो, मुसलमान तो हो मगर प्रैक्टिस ना करते हो, नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, ऐसा हो सकता है। मगर खुदा के लिए अपने आप को हरगिज ये ना कहें कि मैं मुसलमान ही नहीं हूं, अपने साथ ये जुल्म ना करें।
आगे से ये लड़का कहने लगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, बस एक सवाल है जो मुझे तंग करता है, मैं वो सवाल ही पूछने के लिए आया हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा, तो वो सवाल आप बतौर मुसलमान पूछें ना, आप वो सवाल बतौर मुसलमान नहीं पूछ सकते। ये क्यों कह रहे हैं कि मैं एक किसी मजहब पर यकीन नहीं रखता हूँ, थियस्ट हूँ और अपनी तरह की डेफिनेशंस, या फिर आपने इसलिए खुद को नॉन मुस्लिम कह दिया क्योंकि आप चाहते थे कि सबसे पहले आपका सवाल ले लिया जाए, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक के इज्तिमात में गैर मुस्लिमों का सवाल पहले लिया जाता है। आगे से ये लड़का कहने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, बस मैं सवाल करने आया हूँ ताकि मेरी कन्फ्यूजन दूर हो जाए और मुझे पता चले कि आखिर मैं क्या हूँ, मुसलमान हूँ या नहीं हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरे इल्म के मुताबिक और जितना आपने बताया है उस लिहाज से तो आप मुसलमान हैं। फिर ये लड़का कहने लगा कि हाँ मैं मुसलमान हूँ, मगर एक सवाल है, एक कन्फ्यूजन है जो मैं पूछना चाहता हूँ। तब डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, अच्छा बताएं क्या कन्फ्यूजन है। No, but see, you are making a big blunder, brother. If you say you are not a Muslim, you are destined to hell. Correct? I'm yes, trying to save you. Yes, exactly. It is more bad than all the people who give the shahada. Exactly. A person who is a Muslim and he says he is not a Muslim becomes a murtad. Yes. Are you a murtad? No. So why you are digging your own grave? Don't be extra smart, brother. No, I'm not. I'm just telling one you. Question. You have to do istighfar first. See, you may not believe in certain instructions. You may not follow it. You may not pray. That's a different thing. You yes, understand, na? Yes. You may be not a good practicing Muslim, okay? But don't say I'm not a Muslim. Please. Oh, I'm not saying I'm not a Muslim, but there's one question which bothers me. So is say, that why you are, I came over here to... So can't you ask the question like a Muslim? Or you want to break the queue, that's why? No. So that's why I want to clear this confusion before I can know what exactly so, I am. So according to me, you're a Muslim? Yes. Correct? According, yes, but there's one confusion which I want to clear. Okay, what's the confusion? Yes, so Prophet Muhammad, peace be upon him, it's been... बिलाखिर वो लम्हा आ ही गया था कि अब ये लड़का अपना सवाल कर सकता था और डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा था कि अपना सवाल करो। इस लड़के ने कहा कि मेरा सवाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए पैगंबर और नबी हैं और उन पर वही नाजिल हुआ करती थी जो कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए आती थी, और वही वही या वही मालूमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को अपने इर्द गिर्द के लोगों को बता दी। मैं जानना इतना चाहता हूँ कि आज की दुनिया में वो जब मालूमात हदीस के जरिए हम तक पहुँची हैं, आज के दौर में वो कितनी सच्ची रह गई होंगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो ही इसका सवाल सुना तो बड़े दिलचस्प अंदाज से कहा, मेरे भाई आपका सवाल तो वही है जो दुनिया के सारे मुसलमानों का है, अक्सर मुसलमानों को ये कन्फ्यूजन होती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमारे भाई इतना पूछ रहे हैं कि जितनी भी अहादीस हैं उनको हम कैसे सच्चा मान सकते हैं, उनकी सच्चाई की कन्फर्मेशन कहाँ से हो सकती है। ये सीधा सा सवाल है तो ये आपको गैर मुस्लिम कैसे कर देता है, ये सवाल होना आपको नॉन मुस्लिम कैसे बना देता है। डॉक्टर जाकिर नाइक को अभी तक इस बात पर गुस्सा था कि कोई शख्स मुसलमान होकर खुद को गैर मुस्लिम कैसे कह सकता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप एक अल्लाह को मानते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का भेजा गया आखिरी नबी मानते हैं, तो आप मुसलमान हैं। रह गई बात ये कि आपको हदीस पर यकीन है या नहीं है, कौन सी हदीस को सच्चा मानना है या नहीं मानना है, इसका हल और जवाब कुरान पाक में मौजूद है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक की दो आयात का हवाला दिया और तर्जुमा और मफहूम बयान करते हुए कहा कि अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो जाओ उनसे पूछ लो जो इल्म रखते हैं। कुरान पाक ने बहुत सीधा सा कह दिया है, अगर आपको किसी हदीस पर यकीन नहीं आ रहा, आपको डाउट है, तो जाएं किसी मुहद्दिस से पूछ लीजिए। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के से ऐसा सवाल किया जिसे सुनकर ये लड़का भी हंस पड़ा और हॉल में मौजूद सभी लोग भी हंसने लगे। Yes, so Prophet Muhammad peace be upon him, it's been said that everything in Quran is revealed upon to him by Gabriel, Angel Gabriel. But my question is, he is the one who said it to the people, and what can be the accuracy or truthness in his word? Brother is asking a simple question. Many Muslims have this confusion. What Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is talking about the hadith, how do you know it's accurate? Everyone has to check. So how does that make you a non-Muslim? If you believe there is one God, if you believe Prophet Muhammad is a messenger of God, you're a Muslim. You may have confusion that when he got a hadith, to know whether the hadith is right or wrong, Quran has a solution. Quran says in Surah Anbiya chapter 21 verse number 7 and Surah Nahl chapter 16 verse 43, fasalu ahli dhikri in kuntum la ta'lamun. If you don't know,
as the person knowledgeable, so simple. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इस लड़के को समझाने के लिए ये बात कि अगर कुछ समझ में ना आए तो अहले इल्म से जाकर पूछ लिया जाए एक मिसाल देते हुए डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा, मैं अब आपसे पूछता हूँ, बताएं कि टाइफाइड का क्या इलाज है, क्या आपको मालूम है? जवाब में इस लड़के ने कहा, नहीं मुझे मालूम नहीं है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने गुस्से से फौरन से कहा कि अगर नहीं मालूम तो क्या होगा, जहन्नुम में चले जाओगे? नहीं, किससे पूछोगे? डॉक्टर से पूछोगे, गूगल से नहीं। गूगल पे मत जाना, वहां पर सब कुछ सही नहीं होता है, कुछ सच्चा है कुछ झूठा है। लिहाजा अगर आप बीमार हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, और अगर आपको हदीस समझ नहीं आ रही है तो कहां जाएंगे? मुहद्दिस के पास जाएंगे। ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। I'm asking you, do you know the treatment of typhoid? No. So what? If you don't know, does it mean you go to hell? No, definitely I will be. Who will you go and ask? Someone more knowledgeable. Not knowledgeable, doctor. Okay. Don't go to Google, please. Google is not Google, right and wrong. If you are sick, you go to doctor. When you want to hadith, who are you going to? Ask a muhaddith. Simple. I've given a talk. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने अपनी बात को समेटते हुए कहा कि हदीस की तीन किस्में हैं, जिनमें से एक सही हदीस है, ज़ईफ हदीस है और मौजू हदीस है, जिसे मौदू हदीस भी कहा जाता है, और इस पर मैंने एक 45 मिनट का लेक्चर दे रखा है, आप वो बयान जाकर देख सकते हैं। और अहदीस की जितनी भी किताबें हैं वहां पर यह बताया गया है कि कौन सी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे रिवायत की, फिर वहां से किस तक पहुंची, फिर वहां से किस तक पहुंची और कैसे मुहद्दिस तक पहुंची, तो उसने हदीस का हिस्सा बनने वाली उस किताब में शामिल कर दी। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इस लड़के को यह सब बताने के बाद फिर से कहा कि अपनी कब्र अपने लिए गढ़ा खुद ही मत खोदो। 5000 लोग बैठे हैं, उनके सामने आप मुसलमान होने के बावजूद कह रहे थे कि मैं मुसलमान नहीं हूं। दरअसल डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को इसी बात पर बहुत गुस्सा आ गया था कि इस लड़के ने कैसे खुद को नॉन मुस्लिम कह दिया जबकि वो मुसलमान है। ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी है, आप एक समझदार आदमी लगते हैं, लेकिन ज्यादा समझदारी दिखाने की कोशिश करना बेवकूफ़ी होती है। और मेरे भाई, मैंने आप पर गुस्सा किया है क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इस बात पर पूरा हॉल तालियां बजाने लगा। मैंने तुम पर गुस्सा किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम जहन्नुम में जाओ, मैं लेक्चर देता हूँ, बयानात करता हूँ ताकि लोग इस्लाम के करीब आएं और जहन्नुम की आग से बचें। जानते हो, अगर कोई शख्स खुद को मुसलमान कहता है और मुसलमान समझता है, भले वो नेक काम नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता और बुनियादी काम नहीं करता, फिर भी 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल जहन्नुम की आग में जलने के बाद अल्लाह उसे जन्नत में भेज देगा क्योंकि वो मुसलमान है। जबकि आपने खुद को जो गैर मुस्लिम कहा, ऐसा आदमी तो हमेशा ही जहन्नुम में रहेगा। तो शैतान को अपने जहन में ना आने दो, हर थियस्ट ही मुसलमान होता है। समझ आ गई ना? मैं भी थियस्ट हूँ, समझ आई? मैं मुसलमान हूँ और थियस्ट हूँ। So why you are saying I am doubtful? You are sinning in front of everyone. There is some problem. In front of 5,000 people, there are so many people who are giving shahada. You are saying I am not sure. Brother, please don't dig your own grave. Your English is good. You seem to be a smart person. Being smart is good. Being over smart is not good. Yes. And I'm being tough with you because I love you. Thank you. I'm being tough with you because I love you. Thank you. I don't want to be destined to hell. I'm here giving lectures to get people closer to Jannah. I'm a theist. I'm a Muslim. Yes. I'm a practicing Muslim, Alhamdulillah. Correct? Yes. So Alhamdulillah, you're a Muslim. Yes, I'm trying to practice more. Yes, that's different. No problem. Even if you're not practicing, Allah will put you in hell for 1 year, 10 year, 20 year, 100 years. Finally, go to Jannah, inshallah. Correct? Dr. Zakir Naik ne apni baat ko samajhte hue kaha ki main dua karta hoon ki Allah aapko hidayat de aur isi maah Ramzan se hi aap Islam ke qareeb aana shuru ho jaye. Ye kehkar Dr. Zakir Naik ne apni baat mukammal kar li. Dosto, ye manazir dekhiye, uske baad team Hum Kadam is video ka nichod ek mukhtasar jumle mein aapke samne rakhna chahti hai. In the month of Ramzan, correct? Inshallah. So inshallah, pray to Allah to give hidayah so that I become a practicing Muslim, inshallah. दोस्तों, आपने देखा कि इस पूरी गुफ्तगू में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने अपना सारा वक्त इस लड़के को ये बात समझाने पर लगा दिया कि अगर वो मुसलमान है तो खुद को नॉन मुस्लिम ना कहे ना समझे। लेकिन आजकल के दौर में बहुत से नौजवान लड़कों में ये फैशन बन चुका है और वो खुद को बड़े फख्र से कहते हैं कि हम किसी खुदा पर यकीन नहीं रखते, जबकि वो पैदा मुसलमान घराने में ही हुए होते हैं और खुद को मुस्लिम भी कहते हैं, लेकिन बार बार फख्र से ये कहते हैं कि हम किसी खुदा को नहीं मानते। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक भी इस मसले को बहुत बखूबी समझते हैं और वो जानते हैं कि जदीद नस्ल का और आने वाले दौर के लिए मुसलमानों की सबसे बड़ी मुश्किल ये ही ऐसे नौजवान हैं। इसीलिए डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने सारी तवज्जो
तवज्जो इस लड़के पर लगा दी और इसे समझाने की कोशिश की कि जब वो मुसलमान है तो खुद को मुसलमान कहे, ऐसा करना। सो गाइस ये था वीडियो, बहुत एक अमेजिंग वीडियो था रियली, ठीक है। और ये लड़का थोड़ा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था, होते मतलब नहीं है यार तुम अगर थीस्ट मतलब यही है कि वो भगवान को मानने वाला, जो अपने जो भी रिलीजन है उसको फॉलो करने वाला, और एथियस्ट वो होता है जो कोई भी मतलब भगवान पे बिलीव नहीं करता, मानता नहीं है। तो जब अगर तुम मानते हो तो फिर बोलने में क्या है। बस डॉक्टर जाकिर नायक का सीधा सा जवाब था कि अगर तुम थीस्ट हो तो उसकी जगह पे थीस्ट बोलने की क्या जरूरत है, जो तुम मानते हो, जो रिलीजन पे आप पैदा हुए हो, जो फॉलो करते हो, वो चीज बोल दो। भले आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ना हो लेकिन आप बोल सकते हो फिर भी कि मैं मुस्लिम हूँ। अब जरूरी नहीं है कि कोई एक लड़का 5 टाइम की नमाज पढ़ता है और एक लड़का 1 टाइम की नमाज पढ़ता है तो वो रहेगा तो वो मुस्लिम ही। तो बहुत ही अच्छा जवाब था। और पहली बार हम देखे इस वीडियो में कि डॉक्टर जाकिर नायक का गुस्सा है, लेकिन उसके बाद फिर नॉर्मल हो गए वो, ठीक है, क्योंकि वो लड़का थोड़ा ना हंस रहा था बार बार। और कोई इंसान जब इतने प्यार से आपको समझा रहा है, ठीक है, पूरा अपना पावर लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है आपको समझाने के लिए, सही रास्ते में लाने के लिए, उसके बाद तुम हंस हंस के बदतमीजी के साथ आप थोड़ा बातें करोगे, ठीक है, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे, तो हर किसी इंसान को भी गुस्सा आएगा। और गुस्से आने वाली चीज भी है कि वो खड़े होके वहां पे इतने मतलब बहुत इम्पोर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं नॉन मुस्लिम के, तो वो वहाँ जवाब देने के लिए खड़े होते हैं और यहाँ पे आके ये सब ऐसे नॉर्मली मतलब तुमको हदीस पे अगर कंफ्यूजन है कि वो मतलब है या नहीं, वो लिखी हुई है कि नहीं, कि कोई प्रूफ है कि नहीं उसका, उसके लिए तुम अपने आप पे शक कैसे करते हो कि मैं मुस्लिम हूँ या नहीं हूँ, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो वो, लेकिन मुस्लिम ही तो हो, आपका नाम ही मुस्लिम है आप तो। मतलब डॉक्टर जाकिर नायक का कहना ये था कि आप पैदा ही हुए हो और आप खुद नहीं बोल रहे हो, फिर जो नॉन मुस्लिम है वो लोग आएंगे तो वो लोग भी अपने आप को फिर मतलब पुरानी वाली चीजें बोल सकते हैं। तो गाइस ये था वीडियो, बहुत अमेजिंग वीडियो था, ठीक है। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग क्या सोचते उस वीडियो के बारे में, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू हो गए तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।